इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशि जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री एमपी जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। कलसा ढारो रे ढारो रे ढारो नरी नारी ओ कलसा ढारो रे ढारो नरी नारी ओ ढारो रे ओ जैन धर्म में जैनी लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैनों के भी प्रकार होते हैं। जिस तरह से मनुष्य तो सारे हैं, लेकिन कुछ में मनुष्य पने के गुण हैं, कुछ में आकृति से मनुष्य है लेकिन प्रकृति से मनुष्य से भी गया बीता है। उसी प्रकार से जैन धर्म में जैनी तो सभी हैं, लेकिन जैनी की भी वैरायटी है, जैनी की भी तरह है, जैने की भी प्रकार है। जिस प्रकार से आप सभी लोग देखते हैं, जब आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं, वहां पर मिठाई ही मिठाई है, लेकिन मिठाई की भी वैरायटी है। कोई रसमलाई है, कोई काजू कतली है, कोई बादाम लगी, तरह तरह की मिठाइयाँ होती हैं। उसी प्रकार से जैनी भी कई तरह के होते हैं। आपको मालूम है जैनी कितने तरह के होते हैं? जैनी 5-6 प्रकार के होते हैं। 5-6 प्रकार के जैनी हुआ करते हैं। उसमें एक जैनी होता है सदैया जैनी। कौन सा जैनी? सदैया जैनी हुआ करता है, जो नित्य प्रति भगवान के दर्शन करने जाता है, उसको कहते हैं सदैया जैनी।
उसमें से एक जैनी होता है जो होता है भदैया जैनी। कौन सा जैनी? भदैया जैनी, की जो भाद्रपद के महीने में खाली दर्शन करने जाता है उसको कहते हैं भदैया जैनी। और इसी क्रम में एक जैन होता है छुटैया जैनी। छुटैया समझते कि छुट्टी के दिन मंदिर जाता है। सदैया जैनी नित्य प्रति मंदिर जाता है। भदैया जैनी भाद्रपद के महीने में मंदिर जाता है। सदैया जैनी नित्य प्रति मंदिर जाता है। भदैया जैनी भाद्रपद के महीने में मंदिर जाता है। और छुटैया जैनी जो होता है वह छुट्टी के दिन मंदिर जाता है। और उसके अलावा दो प्रकार और हैं। एक है मरैया जैनी कि जो किसी की तेरहवीं होती है, किसी को अंतिम संस्कार करके मंदिर में आता है तो यह कहलाता है मरैया जैनी। सदैया जैनी, भदैया जैनी, छुटैया जैनी और मरैया जैनी। और एक और अंतिम अवसर का जो जैन होता है वह होता है लड़ैया जैनी। लड़ैया जैनी समझते हो? आप बोलोगे महाराज जी क्या बात कर रहे हैं। लड़ैया जैनी वह होता है कि जब मालूम चल जाए कि मंदिर में चुनाव हो रहा है, मंदिर में कोई मीटिंग हो रही है, मंदिर में तारीख, आप उस व्यक्ति को कभी आप देखना, बहुत सारे ऐसे लोग मंदिर में दिखेंगे आपको जो पूरे जिंदगी मंदिर नहीं आए, लेकिन जब चुनाव होता है, कोई निर्णय लेने की बात आती है तो उस समय मंदिर पहुंचते हैं। एक बार एक महाराज जी का चतुर्मास की मीटिंग हो रही थी, एक व्यक्ति आया, बोले नहीं नहीं चतुर्मास नहीं होना चाहिए। तो हमारे भारत देश में व्यवस्था है, बस की सीट पर पहला जो व्यक्ति है वो खिड़की से जो बात बोलता ना तो आखिरी की सीट तक वही लोग बोलते हैं। तो एक ने बोल दिया नहीं होना चाहिए, सब बोले हाँ नहीं 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 होना चाहिए। तो उसमें दो चार समझदार भी होते हैं, सारे अंधेरे मूर्ख नहीं होते हैं, दो चार समझदार भी होते हैं, मूर्ख वो भी नहीं है, समझ का अंतर है खाली। तो बोले नहीं होना चाहिए, तीन चार बोले नहीं 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 होना चाहिए। तो एक ने पूछा क्यों नहीं होना चाहिए? बोले भैया आप महाराज जी को ले आओगे, सुबह तो आप लोग आहार करा दोगे जब चले जाएंगे, लेकिन शाम को उनको फल फूल कौन खिलाएगा? तो उसको बोले भाई तू जैनी है? बोले मैं पक्का जैनी हूं। उसको यही पता नहीं था कि मुनि महाराज जी आहार लेते कब हैं। विचार करिए, इस तरह के लोग बात कर रहे हैं जिनको यही ज्ञान नहीं कि दिगंबर मुनिराज 24 घंटे में एक बार आहार जल लेते हैं, सब कुछ करते हैं, ठंडे गर्मी बरसात में नगर रहते, पता ही नहीं है, लेकिन बोलना है। तो इस तरह के जैनी लड़ैया जैनी की श्रेणी में आते हैं, उनका काम ही है वैसे मंदिर आवे ना आवे, लेकिन जहां पर झगड़े की, झंझट की, फसाद की बात होगी तो वहां सबसे पहले मोर्चे पर खड़ा होगा कि भगवान महावीर स्वामी की जय। उससे पूछ लो कि भगवान महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? बोले 30-32 नंबर के तो होंगे, क्यों पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, और जो ज्ञानी है उनके पीछे लगा हुआ है। तो आज मैं देख रहा हूं प्रातःकाल से सभी के चेहरे प्रसन्नता से हैं, छोटे छोटे बच्चे माता पिता से कह रहे हैं कि आज हमें मंदिर जाना है, छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से कह रहे हैं कि हमें व्रत करना है, हमें उपवास करना है, हमें एकासन करना है। कल तक जो बच्चे आलू खाने के लिए मचला करते थे, आज वह बच्चों को कोई मजाक में भी पूछता है तो कहते 10 दिन हम आलू नहीं खाएंगे, 10 दिन हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि पर्वादिराज पर्युषण पर्व का आगाज हो चुका है, पर्वादिराज पर्युषण का आगमन हो चुका है। अभी मैं भजन सुन रहा था 2-4 दिन पहले कहीं पर कि पर्युषण पर्व आया, पापों को धोने का समय आया। तो भैया ये बिल्कुल गलत है, पर्युषण पर पापों को धोने के लिए नहीं आया। और यदि इस पर्युषण पर में आपने पाप धो लिए तो इसका मतलब क्या हो गया? फिर पाप इकट्ठे करो फिर धो? कीचड़ में लगने के बाद कोई नदी में स्नान करता है और उसके बाद में वापिस आकर कीचड़ में लपेटता है कि मुझे तो नहाना है, तो उसको आप बुद्धिमान नहीं कहोगे। पाप इसलिए एकत्रित कर रहे हो कि पर्युषण पर में धो लेंगे तो ये आपकी बेईमानी है, आपके ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। पर्युषण पर्व जो आता है वो आत्मिक शुद्धि के लिए आता है, अंतरिंग शुद्धि के लिए आता है कि जो हमारे हम लोग 24 घंटे में कुछ कार्य कर लेते हैं, जाने अनजाने में हम लोग साल भर में बहुत सारे कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उन सब के बाद 10 दिन ऐसे मिलते हैं। जिस प्रकार से आपको एक बात बताता हूं, जैन धर्म में हर अष्टमी चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से पूजा आराधना करने की बात है। क्यों है? कहते भैया 7 दिन आप व्यस्त रहते हो तो कम से कम 1 दिन तो पूजा आराधना कर लो। उसी प्रकार से कहते हैं कि जो लोग साल भर कुछ भी नहीं कर पाते तो कम से कम पर्युषण पर्व में, दशक्षण पर्व में तो कर ही लो। वैसे जैन धर्म में पर्युषण पर्व साल में 3 बार आते हैं, माघ के महीने में,
चैत्र के महीने में और भाद्रपद के महीने में। लेकिन लोग ज्यादातर कौन से महीने का मनाते हैं पता है? कौन से महीने का मनाते हैं? भाद्रपद का, बाकी तो पता ही नहीं चलते हैं। क्यों मनाते हैं? उसका भी कारण है कि पहले के समय बरसात बहुत तेजी से होती थी, बहुत तेजी से पानी गिरता था, बरसात बहुत तेजी से लबालब हुआ करती थी, और उस समय क्या होता था, लोगों की दुकान बंद, स्कूल बंद, व्यापार बंद, कंपनी बंद, फैक्ट्री बंद। तो कहने लगे जब भाद्रपद के महीने में जब बरसात ही बरसात होती है तो क्यों ना हम लोग 10 दिन धर्म ही धर्म कर लें। क्यों? भाद्रपद तो देखिए, भाद्रपद का हो चाहे चैत्र का हो चाहे माघ का हो, पर्युषण पर्व का फल तो बराबर ही है। और साथ ही साथ में भाद्रपद के महीने में कोई ना कोई मुनिराज चतुर्मास के लिए होते हैं तो उनका भी सानिध्य मिल जाता है। तो इस तरह से सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। आज पहला दिन है उत्तम क्षमा। क्षमा शब्द कहने में और सुनने में तो बड़ा प्रिय लगता है कि क्षमा करो ना, उत्तम क्षमा, लेकिन क्षमा करने में बहुत बड़ा दिल चाहिए। क्षमा करवाने के लिए तो छोटी सी बात चाहिए, लेकिन क्षमा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। कहते हैं कि जहां जहां पर क्रोध है वहां वहां पर क्षमा नहीं है, और जहां जहां क्षमा है वहां वहां पर क्रोध आ ही नहीं सकता। जिंदगी में इंसान के पास रुपया हो चाहे ना हो, इंसान के पास भोजन सामग्री हो चाहे ना हो, इंसान के पास गाड़ी बंगला हो चाहे ना हो, लेकिन हर इंसान के पास में क्रोध मौजूद है। हमारे पास भी है, हम भी इंसान हैं, हम भी संसार में रह रहे हैं। इंसान ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में बाकी नहीं है जिसके पास क्रोध ना हो। और क्रोध क्या है? क्रोध एक तात्कालिक पागलपन है। क्रोध एक तात्कालिक पागलपन होता है कि जो व्यक्ति क्रोधी में आ जाता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, समझ लेना वह पागल की भांति कार्य करता है। आपने कभी पागल खाने में पागल देखे? आप बोलोगे महाराज जी हमारा तो कोई बसता ही नहीं पड़ा, हमारा कोई रिश्तेदारी पागल नहीं है, पागल खाने क्यों जाएगा आदमी? टीवी में पिक्चर में तो देखे होंगे, क्या करते हैं पागल, क्या करते हैं बताइए? कोई कंघी करता रहेगा, कोई कपड़े फाड़ता रहेगा, कोई कुछ कर पड़ता रहेगा, कोई पेन तोड़ेगा, कोई किसी को बाल खींचेगा। तो जब इंसान क्रोध में आता है तो वह तत्कालिक पागल हो जाता है। क्रोध में आने के बाद इंसान क्या करता है? इंसान अपने सिर को ऐसा ऐसा करेगा, कपड़े फाड़ने लग जाएगा, चीखने चिल्लाने लग जाएगा, हाथ पैर जोर जोर से पटकेगा। और जब इतना भयंकर क्रोध आ रहा है आपको तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में पागलपन का आना शुरू हो गया है, और धीरे 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 करके ये पूर्णतः पागल कर देगा। क्रोध जब आता है तो इंसान स्वयंबोध खो जाता है, उसको हित और अहित का ज्ञान ही नहीं होता कि क्या क्रोध करने से हमारे लिए हानि होगी, क्या क्रोध करने से हमारा नुकसान होगा, क्या क्रोध करने से हमारे जीवन में तकलीफों का आगमन होगा। वह तो क्रोध करे जा रहा है, क्रोध करे जा रहा है। और एक बात और बताऊं, क्रोध अर्थात गुस्सा, गुस्से की और जो पानी की गति है आपको पता है कैसी है? क्रोध और पानी, इन दोनों की गति कैसी होती है मालूम आपको? गति समझते हैं आप? गति होती है जाना आना, चार गति जैनधर्म बताई हैं। तो गति, क्रोध और पानी की गति कैसी होती है मालूम आपको? हमेशा नीचे की ओर होती है। आप पानी को पाइप के द्वारा कितने भी ऊपर ले जाएं, लेकिन पानी नीचे ही आएगा। और क्रोध कितने भी गुस्से में आ जाए, कितने भी गुस्से में आ जाए आदमी, लेकिन क्या करेगा विचार करिए। एक व्यक्ति सर्विस करता है, कुछ कारण से उसके बॉस ने उसको डांट दिया, वह बॉस को कुछ नहीं बोल सकता। आजकल क्या मामला अलग है, आजकल तो लोग हम ही को बोल जाते हैं, कुछ अपने शिक्षक को ही बोल जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि यदि मान लीजिए क्या हुआ, क्रोध बड़ा बॉस का, उसने अपने ऑफिस में काम करने वाले को बोल दिया। अब जब ऑफिस वाले को क्रोध आ गया तो उसका क्रोध कहां जाएगा बताइए मुझे, कहां जाएगा? जब उसको क्रोध आ गया, क्रोध बढ़ गया, तो वह घर पहुंचा, घर में जाते साथ पत्नी ने घुसते साथ चाय का प्याला पकड़ा दिया, और जैसे ही चाय का प्याला मुंह में लिया, चाय मुंह में ली, चुस्की ली चाय की, और जोर से चिल्ला, ये कोई चाय है, शक्कर ही शक्कर भरी है। पत्नी सोचती है कल तक तो कहते थे, बोले ऐसी तुम चाय पिला रहे हो, ऐसी पूरे हिंदुस्तान में चाय नहीं मिल सकती। क्रोध क्रोध, तो क्रोध जैसे ही बढ़ा तो उसने कहा ये कोई चाय है, शक्कर ही शक्कर भरी हुई है।
ये बात मैं बता रहा हूं 25-30 साल पुरानी, वर्तमान में तो ऐसा बोलोगे तो अगले दिन चाय नहीं मिलेगी, ये भी आप जानते हो अच्छे से। तो पत्नी कुछ कह नहीं सकती, उसको पत्नी को क्रोध बढ़ गया बहुत भयंकर, क्या करें। जैसे ही उनका छोटा सा बच्चा 5-10 साल का स्कूल से घर आया, आते ही साथ मां की गोद में उछल के चिपक गया। मां बोली इतना बड़ा हो गया बदतमीज, तुझे पता ही नहीं, तुझे मालूम नहीं कि तुझे आने के बाद क्या करना चाहिए, तू गोद में आ जाता है चिपक जाता है। बच्चा सोचता है ये क्या हो गया, कल तक मेरी माँ मैं जूते की लेस खोलता था तो मुझे खोलने नहीं देती थी कि मेरा राजा बेटा मेरा मुन्ना मेरा पप्पू तेरे मेरे रहते तो काम, आज क्या हो गया। अब बच्चे को क्रोध बढ़ गया, पहले के जमाने में आजकल मत कर देना ऐसा काम नहीं उल्टा काम हो जाएगा, सारा ध्यान रखना, बच्चा कब पड़ोसी बन जाएगा पता नहीं चलता है। तो जैसे ही बात चलती रही, सारी बातें चलती रही, तो उसके बाद में क्या हुआ, बच्चे को क्रोध आया। बच्चे को जब क्रोध आया तो क्या हुआ, उसने अपनी काम वाली बाई जो दूध लेने आई, बोले दूध ले, मुझे नहीं पीना। आया सोचती कल तक तो दूध मांग मांग के पी रहा था, बोलता मुझे नहीं पीना। अब काम वाली को क्रोध आ गया, अब क्या होगा। ऑफिसर ने अपने कर्मचारी पर उतारा, कर्मचारी ने पत्नी पे, पत्नी ने बच्चे पे, बच्चे ने आया पे, और आया को जब क्रोध आ गया तो अगले दिन जब सब लोग घर के लोग कपड़े पहनकर जा रहे थे तो इतने सुंदर कपड़े साफ साफ दिख रहे थे, साफ साफ दिख रहे थे, तो बोले क्या बात है क्या हुआ। तो एक समझदार ने बताया कि तुम्हारी काम वाली को क्रोध आया। बोले कैसे मालूम चला, बोले काम वाली को क्रोध आया तो उसने कपड़े पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के धोए, तो क्या हुआ सारे कपड़े जो गंदे थे वह पूरे के पूरे साफ हो गए। क्या है उत्तम क्षमा धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री एमपी जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।